नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, केंद्रीय और राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर के लिए यहाँ पर एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि आपका रुका हुआ DA जो है बहाल हो चुका है और ये DA यहाँ पर 17% से बढ़कर 28% हो चुका है। इसमें 11% की बढ़ोतरी की गई है। तो क्या है जानकारी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और राज्य के कर्मचारियों के लिए, जानेंगे इस वीडियो में। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो देखिए साथियों, पहले हम बात कर लेते हैं केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटाई। अब 17% से बढ़ाकर DA जो है 28% किया गया। इसका लाभ 1 जुलाई 2021 से मिलेगा। महंगाई भत्ता यानी DA की जो है सभी कर्मचारियों को, इसका केंद्रीय कर्मचारी जितने भी हैं, पेंशनर हैं, सभी को इसका लाभ मिलने वाला है। जो 3 किस्तें जो रुकी हुई थी DA की, वो अब यहाँ पर बहाल कर दी गई है केंद्र सरकार द्वारा और उसका लाभ अब सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को मिलेगा। अब केंद्र के बाद हम बात कर लेते हैं राज्य की। अब यहाँ पर राज्य में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा भी यहाँ पर एक ट्वीट किया गया है। ट्वीट में बताया गया है कि राजस्थान सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनर का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% करने का निर्णय किया गया है। 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की दर मान्य होगी। 1 जुलाई 2021 से इसे लागू कर दिया जाएगा, जो आपका 17% DA से बढ़कर 28% जो हुआ है। कोविड की कठिन परिस्थितियों के बावजूद कर्मचारियों को संबल देते हुए इस फैसले पर राज्य सरकार लगभग 4000 करोड़ रुपये सालाना व्यय करेगी। तो यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा केंद्र के जो DA की घोषणा के तुरंत बाद जो राज्य सरकार है, उन्होंने भी निर्णय लिया है कि जो राजस्थान के समस्त कर्मचारी और पेंशनर हैं, उनका DA यहाँ पर बढ़ाया जाए और ये 17% से बढ़कर यहाँ पर 28% हो जाएगा। जैसे इसका बहुत जल्दी ही एक आदेश आ जाएगा और आदेश के बाद ये जो है DA आपके लिए लागू हो जाएगा। तो ये थी जानकारी DA को लेकर जो आपको मैंने इस वीडियो में दी। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद।